तिष्ठतु शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु पृष्ठे पिनाके तिष्ठतु उरदशूरे तिष्ठतु। गंगा मैया की जय। हर तरफ यही उद्घोष और चारों ओर गंगा मैया के जयकारों के साथ कुंभ नगरी प्रयाग गुंजायमान है। हर कोई इस आस्था के रंग में पूरी तरह से डूबा हुआ है और न्यूज 18 की ये महा कवरेज लगातार जारी है। मौनी अमावस मंगलम, ये महा कवरेज के जरिए लगातार हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं कुंभ स्टूडियो से। लाइव कवरेज लगातार ग्राउंड जीरो पर जी, किस तरीके के संगम की तस्वीरें जहां पर माँ गंगा त्रिवेणी घाट पर लोग डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं और हर एक रंग न्यूज 18 दिखा रहा है। जिस तरीके से हम लोगों को सुन रहे थे, उमेश जब लोगों से बात कर रहे थे, सर्वेश जब लोगों से बात कर रहे थे, जो सुख की अनुभूति कहते हैं वो यहाँ पर देखने को मिली। और क्या होता है ये सुख, कैसे होती है, आंतरिक शांति कैसे मिलती है, वो भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ ज्योतिष आचार्य जुड़े हुए हैं, नागा बाबा महेशानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुंजन जी का हम एक बार रुख कर लेते हैं। गुंजन जी, आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, आधी भौतिक सुख जब हम इसकी बात करते हैं, क्या होता है ये, कैसे आप उन्हें समझाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, लोगों को, और आप किस तरह से समझते हैं ये दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, कुंभ पर्व एक महान पर्व माना गया है जहां अनगिनत लोग बिना आमंत्रण के आते हैं, जहां कोई आयु नहीं, छोटे एक साल से बच्चे से लेके वृद्ध सभी लोग यहां पे माँ गंगा त्रिवेणी के दर्शन करने आते हैं, गंगा स्नान करने आते हैं। जैसा कि आपने अभी पूछा, आदि भौतिक, आदि भौतिक यानी कि आज के ज़माने के जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो निरंतर किस तरह से माँ गंगा को देखते हैं। आज के ज़माने में जहाँ इतना स्ट्रेस बच्चों के साथ रहता है, पढ़ाई का प्रेशर, छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक पढ़ाई का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो किसी न किसी माध्यम को भी तलाशते हैं। कोई किसी गुरु के सानिध्य में जाता है, कोई भगवान को मानता है, कोई गंगा स्नान करने आता है। और जब देश विदेश से हज़ारों करोड़ों लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो जो यूथ है हमारा, जो बच्चे हैं, वो भी यहाँ पर गंगा स्नान करने आते हैं। कुंभ का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो कक होता है कल्याणकारी, उ जो मात्रा दी गई है उसका मतलब है ओमकार, म को मर्यादित बताया गया है और भ को भावना से जोड़ा गया है, यानी कि कल्याणकारी भगवान शिव की मर्यादित भावना के साथ जब श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं तो उस पर्व को और महान बनाया जा सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं आज का जो मौनी अमावस्या का शुभ संयोग भी लगा हुआ है, इतने सारे शुभ योग भी बने हुए हैं कुंभ पर्व में, तो जितने बच्चे से लेके बूढ़े तक हैं वो सभी गंगा स्नान, त्रिवेणी माँ के संगम में स्नान करके खुद को लाभान्वित अनुभव करते हैं। जब युवाओं की बात करते हैं, जब हम युवाओं पर फोकस करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो लोग आस्था, विश्वास और संगम की इस रेती पर आकर के तंबुओं के शहर को देखते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, विज्ञान की दृष्टि से अगर यहाँ पर मैं समझना चाहूँ और भारती भी समझना चाहेंगी कि नवग्रही जो परिवर्तन आते हैं वो सृष्टि पर, व्यक्ति पर किस तरीके का प्रभाव डालते हैं, इसको आप विस्तार से बताएं। आकाश मंडल में भी होते हैं, जिस तरह से ग्रहों की दृष्टि हम पर पड़ती है, ग्रहों का सानिध्य हम लोग को मिलता है, उसी तरह से सारा ब्रह्मांड चलता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत् ब्रह्मांडे यत् पिंडे, जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही हमारे मानव पिंड में है। जब जब आकाश में कोई भी हलचल होती है, यानी कि कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, ग्रहण लगता है, कोई भी ग्रह का एक राशि से दूसरे राशि में जाना, वो हमारे शरीर को, हमारे हर व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालता है। हर ग्रह का अपना एक हमारे अंदर कारक होता है, जैसे कि अगर सूर्य की बात करें तो वो हमारे आत्मा का कारक है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, इसी तरह नवग्रह कहीं ना कहीं हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। चंद्रमा को चलायमान कहा गया है, यानी कि चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन होता है वो सिर्फ सवा दो दिन का होता है, हर सवा दो दिन में राशि, चंद्रमा अपनी राशि परिवर्तित करता है, इसलिए हमारा मन एकदम चलायमान होता है। उस मन को स्थिर बनाने के लिए वैज्ञानिक तौर पे भी अगर कहा जाए, कॉन्सेंट्रेशन पावर विज्ञान में भी बताया गया है कि अगर फोकस हम बढ़ाएंगे विज्ञान के तौर पे तो उससे भी लाभान्वित होते हैं। और पौराणिक और जितने भी संदर्भ हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं नवग्रहों से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे विज्ञान से जुड़कर हमें लाभान्वित करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, सृष्टि पे हमेशा असर पड़ता है, जैसे कि सुनामी आता है, ग्रहण लगता है, उन सब का असर हर व्यक्ति की प्रत्येक राशि तक पे पड़ता है। हर राशि के जितने लोग होते हैं, 12 राशियों के लोग होते हैं, उन 12 राशियों के हर व्यक्ति पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। ग्रह चलते रहते हैं, ग्रह चलायमान होते हैं, तो जैसे जैसे ग्रह परिवर्तन होता है, व्यक्ति का सुख दुख कैसे निर्धारित होता है, इसी वजह से सुख दुख निर्धारित होता है। टीम के देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है और करोड़ों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि जो लोग अभी प्रयाग में आए हैं, जो लोग स्नान कर चुके हैं और जो लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं, मंत्रोच्चाप की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो जब स्नान करने के लिए जाएं तब कौन सा मंत्रोच्चाप होता है, स्नान करने के आने के बाद कौन से मंत्रोच्चाप होता है, कौन सी पूजा की विधि होती है, ये सारी चीज़ों को अगर आप बता पाएं। पूजन विधि विधान गंगा स्नान के समय बहुत मायने रखता है। किसी को कोई मंत्र नहीं भी आता, क्योंकि मंत्रोच्चारण करना भी बहुत सरल नहीं होता, मंत्र हम लोग गलत भी बोल सकते हैं। अगर किसी को मंत्रोच्चारण नहीं आता तो मन में भगवान का, माँ गंगा का स्मरण जरूर करना चाहिए। उस भाव से उस गंगा में स्नान करेंगे तो उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। बताया गया है कि गंगा स्नान के बाद दान का विशेष विधान है और दान से भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। दान जितना करेंगे उतना, कहा गया है ये संगम अक्षय क्षेत्र है, यहाँ जितना दिया जाता है उससे कई गुना अधिक फल आपको मिलता भी है। माँ गंगा में जब आप स्नान करने जाएं तो भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जाना चाहिए, या माँ गंगा का ही स्मरण करते हुए उसके अंदर प्रवेश करें। और आपके मन में, हम विज्ञान के तौर पे अगर थोड़ा सा हम देखें तो हमारे मन में 60,000 विचार पूरे दिन में आते हैं, तो अगर हम गंगा स्नान करने जाएं और विचार शून्य होकर जाएं, कोई विचार ना हो, तब उसका प्रभाव आपको शत प्रतिशत मिलता है हर किसी को। जी, क्या आत्मिक शांति यही है? जी बिल्कुल, एक शरीर को शांति पाने के लिए दो तरह की शांति की आवश्यकता पड़ती है, एक शारीरिक शांति और एक आत्मिक शांति। शारीरिक शांति तो हम अपना भोजन ग्रहण करके पा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन आत्मिक शांति पाने के लिए हमको विचार शून्य होने की आवश्यकता है। जितने विचार घूमते रहेंगे आपके जहन में, जैसे कि अभी हम और आप भी बात कर रहे हैं, तो आपके जहन में विचार चल रहा होगा कि हम अगला प्रश्न क्या पूछें, या आगे हम दृश्य कौन सा दृश्य दिखाएं दर्शकों को जिससे कि वो लाभान्वित हों। लेकिन अगर उन विचारों को दिन में कम से कम 5 मिनट भी अगर आप शून्य करके बैठे तो वो आत्मिक शांति आपको खुद ब खुद मिलेगी। महेशानंद जी हमारे साथ हैं। महेशानंद जी, मंत्र जाप की बात हम कर रहे थे और मंत्र जाप के साथ भजन की बात भी हम कर रहे थे, दो तीन चीजों को मैं आपके साथ एक प्रश्न के तौर पे आऊंगा कि आज के वक्त में जब हम संस्कृति की बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, रहन सहन की बात करते हैं, पहनावे की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि पुराणों में जिन चीज़ों का वर्णन है और आज के युग में हम जिन चीज़ों को देखते हैं, एक बहुत बड़ा अंतर है और उस अंतर को हम कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो अंतर आया है ये एक जनरेशन को नहीं, कितनी जनरेशन को पार करके ये अंतर आया है। तो ऐसे में जो आम व्यक्ति है, जो अपना घर पर रहता है, जो महिलाएँ रहती हैं, वो तो इसमें कोई बदलाव कर नहीं सकती। समाज के जो प्रहरी हैं, समाज के जो लोग हैं, जो साधु संत हैं, उनकी भी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है। तो आपको क्या लगता है, ये जो जिम्मेदारियां हैं और जो समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, संस्कृति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, उसका कहाँ कमियां है, कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है और संतों की उसमें क्या जिम्मेदारी है? संतों की जिम्मेदारी है, संत और फौजी, ये दोनों ही, इनका कार्य समाज को जागरूक करने का है। संत भी जगाते हैं और फौज जो है वो देश की सीमा के सजग प्रहरी हैं, वह सीमा पर सुरक्षा करती है और यह काम क्रोध लोभ आदि विकारों से यहाँ पर हमारी सुरक्षा करते हैं। संत और फौजी दोनों को जगाने का कार्य है, इसीलिए जो हमारे नागा साधु हैं इनको शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है। शास्त्र के माध्यम से हमको ज्ञान होता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हम आध्यात्म की ओर जाते हैं, और शास्त्र के द्वारा, शास्त्र भी, क्योंकि जो निम्न विचारों का व्यक्ति है वह शास्त्र की बात नहीं मानता, तो वहाँ शास्त्र भी आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी विनम्रता को लोग कायरता समझ लेते हैं, इसलिए शास्त्र की भी आवश्यकता है। रही बात आज की पीढ़ी की, कि आज की पीढ़ी कैसे देखती है और आज की पीढ़ी क्या है वो उस युग की बात, तो हम बताना चाहेंगे आज की पीढ़ी बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत आज की का जो भविष्य है बहुत ही सकारात्मक लगता है। आज की पीढ़ी जो है YouTube के माध्यम से, Google के माध्यम से, Facebook, WhatsApp, जो भी हमारी सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से जो हमारी आज से जो 20 साल 30 साल 50 साल वाली जो पीढ़ी थी, एक पीढ़ी जो निकली है,
वो पीढ़ी नहीं जानती थी धर्म के इतने बारे में और इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन आज का युवा वर्ग है वो बहुत, जहां हम राम सेतु की अगर बात करें तो तुरंत वो यूट्यूब पर देख सकता है, अगर हम कोई भी बात करते हैं तो वो तुरंत देख सकता है। तो आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है, अध्यात्म के लिए अच्छा है, हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति के लिए अच्छा है। वो इसलिए अच्छा है कि जैसे जैसे युवा जागरूक होता जाएगा, जानता जाएगा और वो जानना चाहता है, और ये आप देख रहे हैं कि आज का युवा जानना चाहता है, इसलिए आप देखना कुंभ में युवा वर्ग की बढ़ती हुई लोकप्रियता और उनकी सेल्फी, और बहुत ज़्यादा युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा आई हुई है और कनेक्ट हो रहा है। आपने भी एक बात जोड़ी यहाँ पर कि कई लोग ऐसे होते हैं जो एक अलग अनुभूति यहाँ पर महसूस करते हैं, तो क्या यूथ जो है आप ये मानते हैं कि इसीलिए साइंटिफिक पार की हम जो बात कर रहे हैं वो एक बड़ी वजह है जिस वजह से यूथ जो है वो यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, और आप बात कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं? बिल्कुल, दोनों ही बातें हैं, साइंटिफिक कारण तो है, वैज्ञानिक कारण है। दूसरी बात ये हर व्यक्ति जानता है, कि हम जिन ईश्वर के अंश हैं वो शांति के स्वरूप हैं, शांताकारं भुजग शयनम। तो जाहिर सी बात है अंश में अंशी के गुण होते हैं, हम उसके गुण हैं हम में, इसलिए हम भी कुछ भी करें हम शांति ही चाहते हैं। और गांवों में चूंकि मैं मथुरा से हूँ और नागा बाबा हूँ, लेकिन मैं मथुरा से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए हमारे ब्रज की कहावत है भैया चटनी तो मिल जाए पर चैन की मिल जाए। तो बस वही बात है कि जो भी मिले, कुछ भी मिले, व्यक्ति लास्ट में अंतिम उसका पॉइंट ये होता है वो शांति चाहता है, सुकून चाहता है, वो चैन चाहता है। हमारे मथुरा वृंदावन अंग्रेज बहुत आते हैं, तो हमने उनसे बात की, आप और अधिक धन चाहते हो, आर यू वॉन्ट समथिंग एक्स्ट्रा मोर मनी? बट नो, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, आई वॉन्ट ओनली पीस। केवल हम शांति के लिए, शांति के तलाश में यहाँ पर भारत में आए हैं, तो हमारी युवा पीढ़ी को भी शांति चाहिए, उसको चैन चाहिए, सुकून चाहिए, और वह सुकून अध्यात्म में है, शांति यहाँ पर है, इसलिए युवा पीढ़ी आकर्षित हो रही है। कि जब हम बात करते हैं और ये देश के आने वाले भविष्य भी हैं, जाहिर तौर पर एक कर्ता धर्ता भी होंगे, इन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारी भी होगी, एक भजन के माध्यम से या मंत्रोच्चाप के माध्यम से इनको हम एक मैसेज देना चाहते हैं, न्यूज़ 18 आपके माध्यम से इन तमाम युवाओं को यहाँ से एक मैसेज देना चाहता है, तो क्या मैसेज आप अपने स्तर पे देना चाहेंगे? हम ये मैसेज देना चाहेंगे मैं चूंकि राम जी हमारे आदर्श हैं, और राम जी की मैं एक बात कहूँगा, ऋषिमुख पर्वत पर जब भगवान आगे बढ़े हैं तो आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियराया। इसमें भाव ये है आगे चले बहुर रघुराया, तो यहाँ प्रश्न कर दिया बहुर क्यों कहा, तो उसका अर्थ ये आगे चले, पिता का मरण हो गया, वन में आए तो सीता जो साथ में आई थी उनका भी हरण हो गया, लेकिन राम जी इतनी सारी परिस्थितियों को होने के बाद में भी नंगे पैर हैं, और तीन आए थे दो ही रह गए हैं, पिता की मृत्यु के समाचार मिल गया है, सेना साथ में नहीं है, खजाना साथ में नहीं है, फिर भी वो आगे चले, और आगे चले ही नहीं पर्वत की ऊंचाई पर बढ़े। हम युवा पीढ़ी को संदेशा देना चाहते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, आपको रुकना नहीं है। और एक और बहुत अच्छी बात हम कहना चाहते हैं, व्यसन मुक्ति। आज युवा पीढ़ी थोड़ा सा इसकी चपेट में आ रही है, तो हम यहाँ अपने युवा भाई बहनों से, क्योंकि आप इस ज्ञान की गंगा में नहाएं, और ये ज्ञान की गंगा आपको ये कहती है कि आप व्यसन मुक्त जीवन रखें, आपके दांत मोती जैसे चमकते रहें, व्यसन मुक्त जीवन, और अध्यात्म से जुड़ाव आपका हो, जितना ज़्यादा अध्यात्म से जुड़ाव होगा, और जो अंदर जाएंगे, एक बात और कहेंगे, तरने की बात है, मुक्ति की बात है, मोक्ष की बात है। एक व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही, वह भीतर गया तो मैं भी तर गया। यानी हमको यदि मुक्ति चाहिए, मुक्ति मोक्ष चाहिए, तो हम थोड़ी सी देर ध्यान लगाएं और अपने भीतर जाएं, घट में है ज्ञान गंगा, तो अपने भीतर जाएंगे तो निश्चित रूप से मन की शांति भी मिलेगी, व्यसनों से मुक्ति और अध्यात्म की ओर गति होगी। ये युवाओं के लिए, मुक्ति के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, और मेरा जो सवाल था वो मैं चाहूंगी कि अब आप उसका जवाब दे दीजिए, जो श्रृंगार करते हैं नागा बाबा वो क्या होता है, जानना चाहते हैं। बिल्कुल, और वो बिल्कुल। सब मेरी तरह मेरे ख्याल से और भी लोग होंगे जो जानना चाहेंगे। हाँ, श्रृंगार की बात करेंगे, लेकिन श्रृंगार में सबसे पहले नागा बाबा की बात करेंगे, लेकिन श्रृंगार में सबसे पहले नागा बाबाओं का जो श्रृंगार होता है वो भस्म श्रृंगार होता है। हाँ, वक्त अभी तो जल्दी में, तो फिर जल्दी में कर लिया, अभी तो हम गंगा मैया में आए तो वक्त की बहुत कमी थी,
तो फिर चटपट लेकर के बस फटाफट लगा ली। और चूंकि एक और हम बात बता दें, ये जो भस्म है श्रृंगार की आपने बात कही है, तो भस्म जो है ये भस्म हमारी अत्यंत पूजनीय होती है। और ये भस्म कैसे निर्माण होती है इसकी भी एक विधि है, वो भी एक गुप्त विधि है। तो ये भस्म का श्रृंगार सबसे मुख्य होता है, भस्म अत्यंत पवित्र होती है, इसलिए सबसे पहले हम इस भस्म को मस्तक से लगाना प्रारंभ करते हैं, मस्तक पर लगाते हैं और उसके बाद में संपूर्ण श्री अंग में लगाते हैं। एक बात मेरी पहले रह गई थी, उसको मैं चाहूँगा पूरा अभी करना, दिगंबर वाली बात, नग्नता की बात, नागा बाबा दिगंबर क्यों रहते हैं, तो वो करोड़ों लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं और लोग जानना चाहते हैं। तो इसकी बात हम जो पहले चर्चा कर रहे थे वो दो बातें कर रहे थे, एक ज्ञान मार्ग और एक जो है भक्ति का मार्ग। ज्ञान के मार्ग से नागा बाबा जो होते हैं वो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, यानी अपने आप को बाबा श्री बड़ा बुजुर्ग मानते हैं और संतान ये सारे समाज उनकी छोटी बच्चे के समान है, इस ऐसा मान करके भी उनके अंदर विकृति नहीं आती है। दूसरी एक चर्चा हम कर रहे थे, कैमरे वाली बात कर रहे थे, उनकी दृष्टि की बात कर रहे थे। तो कैमरा दो तरह के होते हैं, एक कैमरा जो बाहर का ऊपर का रूप देखता है और एक होता है एक्सरे मशीन। एक्सरे पर कोई जाए और वो ये कहे कि मैं बाल काट के नहीं आया, थोड़ा मेकअप कर लूँ, तो वो कहेगा भाई साहब कुछ नहीं आएगा, आप जैसे हो वैसे खड़े हो जाइए, मुझको तुम्हारे चेहरे के मेकअप से मतलब नहीं, तुम्हारी हड्डियों से मतलब है। हम यहाँ यही जो बात जो अंडरलाइन करना चाहते हैं वो यही बात है कि ऐसे जो ज्ञानी महात्मा हो जाते हैं उनकी नज़र फिर ये नहीं रहती कि ये स्त्री है कि पुरुष है, ऊपर का मेकअप क्या है, कुछ भी नहीं आता उनकी एक्सरे की नज़र में, सिर्फ भीतर की आत्मा आती है, हड्डी टूटी हुई है कि सावत हैं, अंदर गंदगी भरी हुई है कि सफाई है, यदि अंदर सफाई है तो क्लियर रास्ता क्लियर। तो ऐसे महात्माओं की दृष्टि इतनी पवित्र हो जाती है कि वो स्त्री और पुरुष न देख करके उस आत्मा को देखते हैं, आत्मदृष्टि हो जाती है, इसलिए वो विकार से बचे रहते हैं। कि आप कह रहे हैं दो बातें, लेकिन जब गुंजन जी से हम बात करें, गुंजन जी कहती है तीन बातें, तो गुंजन जी ये क्या होता है, आप तीसरी बात और कौन सी जोड़ रहे हैं? तीन चेहरे होते हैं, जो पहला चेहरा होता है वो हम अपने समाज को दिखाते हैं, जहाँ जाते हैं वही समाज हमारा चेहरा देखता है। दूसरा चेहरा हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो बहुत क्लोज रिलेशन में हैं वो देखते हैं। और जो तीसरा चेहरा वही असली चेहरा होता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता, वो हमारा आंतरिक चेहरा होता है। और हमारा जो डेस्टिनी है, जो हमारा भाग्य है, या हमारे आसपास जितना भी क्रियाकलाप होता रहता है, वो उसी चेहरे के बल पे चलता है, उसी रियल कैरेक्टर के बल पे चलता है। कि यहाँ पर जो बातें हो रही है मतलब एक ही है, समझना उसको हम किस नजरिए से चाह रहे हैं वो मैटर करता है। बिल्कुल, इसमें एक बात और रहेगी वो और मैं जोड़ दूँ फटाफट, इसमें एक बात और रहेगी वो और मैं जोड़ दूँ फटाफट, भक्ति की दृष्टि और रह गई थी। भक्ति की दृष्टि से ये बताना चाह रहे थे कि वस्तुतः भक्ति की दृष्टि की तरह अपने आप को बालक मानना होता है, भक्त बालक होता है, ज्ञानी बड़ा होता है। तो जो नागा जो संत होते हैं उनके मन में ये होता है कि इसलिए गंगा माँ में भी, यद्यपि सामान्य व्यक्ति के लिए नग्न स्नान वर्जित है, हमारी दीदी जानती है, सब लोग जानते हैं, सामान्यतः नहीं है, वर्जित है, किंतु नागाओं के नग्न स्नान ही होते हैं। उसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण ये है, मातृभाव, मातृभाव। विद्या समस्ता तबदेव भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयि कया पूरित मम यही तत्काते स्तुति स्तभ्य परापरोक्ति ही, उसमें दुर्गा सप्तशती में, यानी माँ भगवती ये जितनी सारी नारियाँ ये सारी तुम्हारी ही रूप हैं, सारी विद्याएं आपके ही रूप हैं, हम आपकी क्या स्तुति करें, ये सब में आप ही विद्यमान हो। तो चाहे कोई एक वर्ष की नारी हो, चाहे 1000 वर्ष की हो, चाहे 16 साल की हो, चाहे 160 साल की हो, वो साक्षात माँ भगवती का रूप है। जैसे गंगा से हम गंगाजली लेकर के जाते हैं तो वो गंगाजली भी गंगा की तरह ही पूज्य होती हैं, उसी प्रकार माँ भगवती का ही रूप हर नारी है। और इसीलिए यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस नारी में माँ भगवती का ही रूप देख करके हम दूध पीने वाले शिशु हैं, और एक शिशु माँ की गोद में नंगा रहता है उसमें कोई दोष नहीं देखता, और जो दोष देखता है वो खुद पाप का भागीदार होता है। अरे बच्चा है उसमें तुम दोष देख रहे हो। तो बस नागा इसी अर्थ में नारी को भगवती माँ मानते हुए, अपने आप को शिशु मानते हुए नग्न रहते हैं, और इसीलिए माँ गंगा की गोद में जब जाते हैं तो जैसे छोटा बच्चा दूध पीने के लिए जाए, जैसे बछड़ा अपनी माँ के पास जाए और उछलता कूदता हुआ जाए, और बछड़े ने हमको माँ कहना सिखाया है, ठीक उसी प्रकार नागा भी अपनी माँ से मिलने के लिए जाते हैं, तो बछड़े की तरह उछलते कूदते हुए उसकी गोद में जाते हैं, और उसकी गोद में जैसे बच्चा खेलता है माँ की गोद में, उसी प्रकार नागा बाबा भी माँ की गोद में खेलते हुए नजर आते हैं। विस्तार के साथ आप चीज़ों को बता रहे हैं, भारतीय जाहिर तौर पे ये सारी चीज़ें
संगम के तट पर, स्तंभों के शहर में, संगम की रेती पर महेशानंद जी जो बता रहे हैं ये हर जगह नहीं दिखती है। और न्यूज 18 नेटवर्क देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है और इन सारी चीजों को और इसको एक साथ समझ के जो अनुभूति होती है ना वो भी यहीं पर बैठकर ही हम कह सकते हैं कि महसूस। बिल्कुल महेशानंद जी, एक बात हम समझना चाहते हैं, बहुत छोटी बात है कहने को, जब एक बच्चा इस संसार में आता है तो माँ बाप की उम्मीदें उस बच्चे से बहुत बढ़ जाती हैं। उसका जो बाल्यकाल होता है उसमें माँ बाप अपने बच्चे की सेवा करना, सब वक्त बनाना और आगे उसके भविष्य के बारे में सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे या फिर IAS अफसर बनाएंगे। तमाम ख्वाब उसी वक्त से बुनने शुरू हो जाते हैं जब वो इस दुनिया में आ जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, आपका भी बाल्यकाल रहा होगा, उसके बाद आपने भी सांसारिक जीवन को जिया होगा, जब वो वक्त था और उसके बाद जब आप संत परंपरा नागा बाबा बने, उस दौर में आए, तो वो सारे अनुभव को आप किस तरीके से आज न्यूज 18 के उन तमाम दर्शकों को बताएंगे और उसके कारण क्या रहे? जी जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जी बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ये भी एक प्रश्न रहता है और कई बार लोग इसको थोड़ा सा, कुछ लोग हमसे प्रश्न भी करते थे कि इसको प्लान बाद भी कुछ लोगों ने नाम दिया कि आप अपने कर्तव्य से जी चुरा करके क्यों भागे, ये आपने पलायन क्यों किया। हमारे बहुत से शुभचिंतक जिन्होंने हमसे बहुत सारे प्रश्नों की झड़ी लगाई, तो अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होते हैं कि इस आयु में संन्यास क्यों, आपको इसकी क्या आवश्यकता है और कैसे, तो इसको हम देखना चाहते हैं। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत बात है तो मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, न पढ़ाई में न लिखाई में, और मेरा शिक्षा का स्तर भी ठीक रहा, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में मुझे कोई तकलीफ नहीं रही और मैं एक विज्ञान का छात्र रहा हूँ, साइंस बायोलॉजी ये सब रहा है मेरे पास में। फिर भी इधर आने का कारण ये था, सबसे बड़ी बात थी मुझे किसी दबाव में या उसमें नहीं आया, सबसे बड़ी बात थी मैं केवल अपने लिए नहीं जीना चाहता था। हमारे यहाँ कहा जाता है जननी जने तो भक्तजन कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बाज रह काहे गवावे नूर। जननी जने तो भक्तजन, फर्स्ट जो है वो भक्त है, कह दाता दानी या सूर, सूर माने फौजी वीर, ये तीन को जन्म दे जननी तो वो वंदनीय होती है माँ। क्यों पहले भक्त क्यों? क्योंकि यदि भक्त हो जाता है तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, भागवत में प्रमाण है। दानी होता है तो लोक में यश होता है, दानदाता। और सूर जो होता है हमारे देश की धर्म की रक्षा के लिए सीमा पर जान देता है तो उसको सभी सलाम करते हैं। अब बात आ जाती है संन्यास की और भक्त की, तो संन्यास की और भक्त की बात आ जाए तो माता पिता जैसे सपने संजोते हैं और उन माता पिताओं के सपनों को तोड़ देना और उनको ऐसे छोड़ देना और ऐसे छोड़ करके चले आना, तो ये कहाँ तक उचित है, एक जनसाधारण के मन में प्रश्न है जो आपने अभी उठाया। तो उसको हम फिर वही कहना चाहेंगे, व्यक्ति की जब शादी हो जाती है तो वो इतना सोचता है मैं, मेरी बच्ची, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, मैं अपने बेटे की शादी ऐसे करूँ कि लोग देखें, दावत ऐसी दूँ कि लोग बस उंगली, दांतों तले उंगली दबा जाएं, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे करूँ कि हेलीकॉप्टर से दूल्हा आए और ये मैं ऐसी कोठियाँ बनाऊँ कि लोग कहें, मैं कार ऐसी लेके आऊँ कि लोग देखें। ये है तो ये क्या है, व्यक्ति जो भी धन अर्जन करता है, चाहे वो 1 लाख लगाए तो वो 1 लाख कमाए तो 1 लाख से संतुष्ट नहीं है, 2 लाख कमाए तो 2 लाख से संतुष्ट नहीं है, उसका स्टेटस और खर्चे उतने ही ज्यादा हो जाते हैं, तो उसका जीवन केवल व्यक्तिगत हो जाता है। लेकिन हम जो चाह रहे हैं, मैंने, मेरा मानना था मैं व्यक्तिगत नहीं जीना चाहता, मेरे पास जो कोई भी पूंजी है और प्रतिभा है, ज्ञान है, वह मेरी पूंजी प्रतिभा ज्ञान, वह मेरा सब कुछ, मेरे सारे समाज का हो, मेरा व्यक्तिगत जीवन न होकर के मेरा जीवन सामाजिक होना चाहिए, इसलिए मैंने शादी नहीं की। मेरा केवल यही कारण था कि इसलिए मैंने शादी नहीं की, सारे समाज के लिए मेरा जीवन हो, हर व्यक्ति को मुझसे लाभ हो। तो ये एक पलायनवाद नहीं है, जैसे एक फौजी सीमा पर जाता है और जब वह सीमा पर जाता है, आपने सहज तौर पर स्वीकार भी किया और तमाम दर्शकों को बताया। महेशानंद जी, हमें एक ब्रेक पे जाना है लेकिन हम चाहेंगे कि गुंजन जी के सहयोग से आप बांसुरी की तान और राग जो छेड़ते हैं और जो संदेश दूर तलक कुंभ के प्रयाग से जाएगा आज, उसको छेड़ दीजिए इस मुहूर्त पर और शुभ संयोग पर हो जाए। इसमें दो बातें मैं कहना चाहूँगा, एक तो हम लोग सुबह जा रहे थे तो हर हर बम बम के नारे लग रहे थे नागा बाबाओं में, तो हम सबसे पीछे चल रहे थे और हम हर हर बम बम को अपनी बांसुरी पे बजाते जा रहे थे, वो लोग बोलते जा रहे थे, तो पहले तो मैं वही बजाऊँगा।
नारे लग रहे थे हर हर बम बम। इसमें माताएं भी थी क्योंकि सन्यासी नागा माताएं भी थी तो वो भी थी, उनकी तीव्र आवाज थी और नागा बाबाओं की धीमी आवाज थी। नागा बाबा बोल रहे थे माताएं, इस प्रकार से आवाजें लग रही थी। और अगर जहाँ धुन की बात करते हैं तो धुन, चूंकि मैं मथुरा से हूँ तो एक मथुरा में एक गोपी कह रही थी अगर होली आने वाली है तो जो शाम आएंगे ब्रज में पलट के तो अब की बरस होली खेलूंगी डट के, ये उसका भाव है। जो शाम आएंगे ब्रज में पलट के, जो शाम आएंगे अब की बरस होली खेलूंगी डट के, जो शाम आएंगे ब्रज में पलट के, जो शाम आए। तो क्या करोगी? बोली अखियन में खटके जो